प्रीमैच्योर हेयरग्रोइंग एक ऐसी समस्या है जिसमें भारत के काफी लोग सफर होते हैं। एक रिसेंट सर्वे के अनुसार 30% मेन और 20% वुमेन प्रीमैच्योर हेयरग्रोइंग को सफर करते हैं बाय द एज ऑफ 30। क्या आप उन्हीं में से एक है? हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक पुणे से। कल ही मेरे पास एक यंग पेशेंट आए, उनका उम्र था 25 इयर्स, लेकिन उनके बाल ऑलरेडी ग्रे हो गए थे और उनको बहुत परेशान कर रहे थे। उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी एम्बरेसमेंट को सामना करना पड़ रहा था। उनका यही एक सवाल था कि मैं अपने बालों की देखभाल कैसे करूँ ताकि मेरे प्रीमैच्योर ग्रोइंग फिर रुक सके और मेरे बाल फिर से ब्लैक हो सके। तो उनको मैंने कुछ रेमेडीज बताए, कुछ एडवाइस किया, तो मैं आज आपके लिए शेयर करने वाली हूँ। अगर प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग का शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिए। प्रीमैच्योर ग्रोइंग क्या है ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके कई सारे रीजंस होते हैं। पहला तो है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स या हेरिडिटी। जैसे हमारे पेरेंट्स या किसी को जल्दी बाल ग्रे हो गए हैं तो यूजुअली नेक्स्ट जनरेशन में वो जल्दी ही ग्रे हो जाते हैं। तो दूसरा है तनाव या स्ट्रेस। करंट टाइम्स में प्रोफेशनल एंड पर्सनल स्ट्रेस के चलते प्रीमैच्योर ग्रोइंग एक साइड इफेक्ट की तरह उभर कर आ रहा है। लोगों में एंग्जायटी या स्ट्रेस की समस्या बहुत बढ़ गई है। स्ट्रेस हार्मोन के इम्बैलेंस का कारण बन सकता है प्रीमैच्योर ग्रोइंग होना। और नेक्स्ट है थर्ड, मेनली अनहेल्दी लाइफस्टाइल या डाइट। उसमें एक्सेस प्रोसेस फूड्स, जंक फूड और अधिक चीनी या मसालेदार फूड कंजम्पशन की वजह से बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और बालों का न्यूट्रिशन हैम्पर हो जाता है और हेल्थ एंड पिगमेंट पर भी इफेक्ट होता है और प्रीमैच्योर ग्रोइंग होता है। नेक्स्ट है नींद। अच्छी नींद ना होने से भी बॉडी पर स्ट्रेस आ जाता है। नींद पूरी तरह से ठीक से होने से बॉडी एक रिज्यूवनेशन फील करती है और उसकी वजह से बालों की हेल्थ भी बढ़ती है। नेक्स्ट है सन एक्सपोजर या पोल्यूशन, उसकी वजह से बालों का डैमेज होता है और प्रीमैच्योर ग्रोइंग हो सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केमिकल रिएक्शंस। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा कलरिंग, रिबॉन्डिंग या कोई भी स्किन केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हो बालों के लिए, तो इस प्रोसेस से ही आपका हार्मफुल केमिकल की वजह से बालों का नेचुरल कलर डिमिनिश हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है जो है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत ही टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है बॉडी में और ब्लड सप्लाई रिड्यूस करती है और प्रीमैच्योर ग्रोइंग हो सकता है। प्रीमैच्योर ग्रोइंग क्यों होता है और क्या रहता है ये हम जानेंगे। बेसिकली बालों का कलर मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है जो मेलानोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये पिगमेंट प्रोडक्शन काफ़ी सारी कारण की वजह से हैम्पर हो सकता है या डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे हार्मोनल थिंग्स, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल या फूड कंजम्पशन, अनहेल्दी स्लीप या स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, ये सारी कंडीशंस। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे टॉक्सिन्स की वजह से भी ये बालों की शाइन कम कर देता है और बालों का प्रीमैच्योर ग्रोइंग हो सकता है। तो ये सारी डिफरेंट रीजंस है। तो इसके अलावा भी कभी कभी पर्टिकुलर रीजन फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब बात आती है कि प्रीमैच्योर ग्रोइंग को कैसे रोका जा सकता है। क्या प्रीमैच्योर हेयर ग्रोइंग रिवर्सिबल होता है? तो एक सिंपल सा जवाब है कि प्रीमैच्योर ग्रोइंग को रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी जो हेयर स्ट्रैंड्स ग्रे हो चुके हैं उन्हें वापस ब्लैक नहीं कर सकते। हाँ, आगे वाले बाल को बचा सकते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं ग्रे होने से, यानी कि ग्रेइंग की समस्या को प्रिवेंट या स्लो डाउन किया जा सकता है। तो जानते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। जेनेटिक्स रिलेटेड ग्रेइंग को रिवर्स या प्रिवेंट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अगर आप अनुवांशिक रूप से ग्रेइंग के शिकार है तो ये प्रोसेस यूजुअली चलता रहेगा, लेकिन अगर आपकी ग्रेइंग का कारण अंडरलाइन कंडीशंस या लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से है तो ये जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की। एक वेल बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम कैसे कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सफिशिएंट मात्रा में उपयोग हो। अपनी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, सफिशिएंट नींद लेना बहुत ज़रूरी है, डेली 30 मिनट्स थोड़ा सा एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे जैसे आंवला या इंडियन गूसबेरी जो विटामिन से भरपूर है, विटामिन सी की अधिक मात्रा रहती है इसमें। आंवला का रस या आंवला खुद खाने से या ऑयल लगाने से बालों का कलर अच्छा बनाए रहता है
और ग्रेइंग प्रिवेंट हो सकता है। नेक्स्ट है करी लीव्स। करी लीव्स इसमें भी काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं, विटामिन ए विटामिन ई भी काफ़ी अधिक मात्रा में रहता है। इन्हें खाने से काफ़ी हेयर के कलर में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। थर्ड है कोकोनट ऑयल। नेचुरल फैटी एसिड्स की वजह से हेयर रूट को पोषण मिलता है और हेयर को शाइन एंड नेचुरली उनकी पिगमेंटेशन बरकरार रखने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं डाइटरी रिकमेंडेशंस के बारे में। तो पहला है आयरन। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन फॉर अवर हेयर स्ट्रक्चर। वो खाने में बहुत सारी चीज़ों में रहता है, जैसे बीट रूट या पालक मेथी, इनमें सभी में रहता है। विटामिन ई एंड फोलिक एसिड जो फ्रेश वेजिटेबल्स में रहता है, जो बालों को इवन ड्राई फ्रूट्स के खाने में ये सब विटामिन मिलते हैं। थर्ड है कॉपर रिच फूड्स, जैसे मेलानिन प्रोड्यूस करने में इसका बहुत ही उपयोग होता है। रेजिन सीसम सीड्स या तिल लेंटिल्स, इन फूड में कॉपर की मात्रा ज़्यादा रहती है। आप इनका इस्तेमाल करके आपके विटामिन सोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट से भी प्रीमैच्योर ग्रोइंग में फ़ायदा मिलता है। योगा करना बहुत ही लाभदायक होता है। योगा स्ने और प्राणायाम स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। मेडिटेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, जिसकी वजह से मन और इनर पीस मिलता है। रेगुलर मेडिटेशन से स्ट्रेस हार्मोन्स लेवल हो जाते हैं, जो बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये थे कुछ उपाय जो सफ़ेद बालों को रोकने में मदद करते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके बाल अक्सर सामान्य से जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो एक डर्माटोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। वे आपको आपके बालों की हेल्थ और आपकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए आपको मेडिकेशंस या क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद हो रहे हैं तो परेशान ना होजिए। कुछ रेमेडीज को अपनाएं, लाइफस्टाइल चेंजेस करें और सही डाइट का सेवन शुरू करें और अपने डर्माटोलॉजिस्ट से मिलकर अपनी समस्या को सही डायग्नोसिस करवाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।